आदरणीय दूधीदार श्रीमती नीतिवर कुमारी डिंडीवर जी और सब हैरान हो रहे होंगे ये सब में ये सबको क्यों एड्रेस कर रही हूँ. अगर आज मैं फिट हूँ, हेल्दी फील कर रही हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, ये सब क्रेडिट उन सबको जाता है. और उन सबको इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट माय फेवरेट डॉक्टर सरिता दावरी. इतना सिंपल खाना है, ना तड़का ना फ्राई ना घी, कुछ भी नहीं, बट इतना टेस्टफुल है. और मैं बोल रही हूँ, मेरे मुंह से पानी आ रहा है. एनीवे, अक्सर कभी भी हम घर पे स्पेशल खाना बनाते हैं, मैं हमेशा ये सुनती हूँ मेरे हस्बैंड बोनी जी से, पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा. But let me tell you, it's all in your mind. You have to control your mind. You have to tell. Bas ho gaya. Abhi please chup jao. Thanks to Davre ji, sirf mere liye kafi logon ka life systematic kiya hai. Aur ye sikhaya hai ki khane ke liye jeena nahi, jeene ke liye khana hai. Aur ek hi dream hai, ek hi khwahish hai Davre ji. एक दिन बोनी जी भी यही खड़े होके यू लॉस्ट वेट, ये सुनने का बड़ा दिल करता है सबका. किसी को भी मिलो, अगर उसको खुश करना है तो ये पहले बोल दो कि यू लॉस्ट वेट. बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा हो गया कि कहीं पे भी आप जाओ तो सबसे पहली चीज़ ये होती है लोगों की, ओहो वज़न कैसे कम करें, किस तरह से खाना खाएं. तो ये जो बुक है हमारी सेकंड बुक है इस सीरीज़ में. पहले हमने जो बुक करी थी इसी लिव वेल डाइट, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. तो अब इसके अंदर समय के साथ साथ जैसे बदलाव भी आता है, तो वैसे ही ये बुक में बदलाव तो नहीं कहूँगा बट प्रिंसिपल सिमिलर रहते हैं. जैसे जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो जो खाने में भी प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते हैं. बस इसमें आई वुड से हैंड होल्डिंग है कि किस तरह से हैंड होल्डिंग करके यू कैन यूज़ द बुक टू लूज़ वेट. हमारे ऑफिस में बहुत से लोगों ने बुक को यूज़ करके, रेसिपीज यूज़ करके काफ़ी वेट लॉस किया. और डॉक्टर सरिता दामरे इतने सालों से पता नहीं कितने लोगों का वज़न कम करवा चुकी हैं. और मुझे देख लीजिए, तो अगर इतनी सक्सेस है तो उसको किस तरह से हम वाइड स्प्रेड कर सकें, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, शायद नहीं हो पाएगा, बहाने ढूंढते हैं. तो वो सब चीज़ों को कवर करके बुक में दो सेक्शन है, जिसमें डाइट प्लान्स हैं, रेसिपीज़ हैं. तो डॉक्टर दावरे के साथ में ये बुक मैंने की है. आई एम श्योर जैसे लिव वेल डाइट हमारी काफ़ी पॉपुलर हुई थी, ये बुक भी काफ़ी पॉपुलर होगी. देखिए, बहुत बहुत डिस्कशन बुक लॉन्च करने से पहले उसकी तैयारी में मेरे ख्याल से अब शायद साल भर से ऊपर हो गया वो इस पर काम करते हुए. और काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी डिटेलिंग, काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर
हैं डॉक्टर सरिता दाबरे, और मैं सोचता था कि शायद मैं ही काफ़ी चीज़ों के बीच में घुस जाता हूँ, बहुत डिटेलिंग में जाता हूँ, बट वो कुछ मेरे से और भी एक कदम आगे हैं। फिर बाद में हमने डिस्कवर किया कि हम लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 अप्रैल दोनों का एक ही है, तो शायद इसीलिए हम दोनों जो हैं मतलब एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। और बेसिक इंटेंट ये है कि जो लोग बुक लें उसको यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बुक खरीद ली उसके बाद में पढ़ी हुई है, और बट आर इंटेंट इज़ दैट हमारे जो कंट्री है इसमें वी आर डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक टाइम होता था जैसे पंजाब में जब हम सुनते थे कि हेल्दी का मतलब होता था मोटा, कि बच्चा हेल्दी है तो वो मोटा होगा, बट गॉन आर द डेज, नाउ यू हैव टू बी फिट। और सो इट इज़ नॉट ओनली कि वेट लॉस के लिए, इट्स अ हेल्दी लिविंग के लिए बुक है, फिट लिविंग के लिए बुक है। आई एम श्योर इट विल बेनिफिट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। सर, ये मार्केट में भी या वेबसाइट में भी ऐसे अवेलेबल होगी ये बुक्स या रेसिपी इनकी जो भी है, क्योंकि मैंने सुना है 190 के ऊपर रेसिपीज है ये, उसके बारे में कुछ थोड़ा पता है? श्योर, क्योंकि बुक जो है आजकल उसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ बुक स्टोर्स नहीं, दूसरे स्टोर्स नहीं, वेबसाइट अमेज़ॉन यू नेम इट, संजीव कपूर .com, सब जगह बुक अवेलेबल होनी चाहिए। अब वो मतलब डेमोक्रेसी आगे कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इट्स नॉट दैट कि आपको कहीं ऐसे एक जगह जाके ही मिलेगी, सब जगह अवेलेबिलिटी इसकी होगी। और जहाँ तक रेसिपीज़ हैं, ढेर सारी रेसिपीज़ इसके अंदर दी हैं, बट नेचुरली वो रेसिपीज़ इस बुक में कंपाइल की हैं तो इसी बुक में मिलेंगी। इट्स नॉट दैट कि वो जो रेसिपी, हो सकता है जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, टमाटो बेजिल शोरबा रेसिपी है, वो हमारे रेस्टोरेंट द येलो चिली में भी मिलती है, हमारी वेबसाइट पे भी और इस बुक में भी है, लेकिन क्योंकि पर्पज़ अलग है तो रेसिपी उसके हिसाब से टेलर की गई है। इस बुक के लिए जो टोमेटो बेजिल शोरबा है उसकी रेसिपी अलग होगी, जो हमारे रेस्टोरेंट में है वो अलग होगी, घर में अगर नॉर्मली किसी ने बनानी है तो वो रेसिपी अलग होगी। सो इस बुक में नेचुरली वेट लॉस के हिसाब से, हेल्दी लिविंग फिट लिविंग के हिसाब से रेसिपी को टेलर किया है। सर, आपकी दीक्षा पे तो आप कितना फॉलो करते हैं फिटनेस का? आजकल जो फिटनेस है वो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, इट इज़ अ मस्ट, यू हैव टू बी फिट, और उससे आपको खुद ही अच्छा लगता है। एंड इट्स नॉट ओनली कि आप खाना कम खा रहे हैं, खाना ठीक खा रहे हैं, रेगुलर हेल्दी लिविंग के लिए एक्सरसाइज मस्ट है। मतलब पिछले इतने सालों से मैं मतलब नॉट जस्ट हेल्दी लिविंग बट हेल्दी ईटिंग, बट उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज। अभी मैं गोवा से वापस आ रहा हूँ और वहाँ पर 2.5 दिन था, तो मैंने 2.5 दिन में वहाँ पहुँचते ही मैंने कहा कि क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मुझे 2.5 दिन के अंदर विदाउट मेकिंग स्पेशल एफर्ट भी मैंने 50 किलोमीटर पूरे किए। इट्स नॉट समथिंग विच इवन पुट एनी प्रेशर ऑन मी। तो आजकल ये कहें कि हेल्दी लिविंग सिर्फ बातें हैं, नो नो, इट्स नॉट अ चॉइस, वी हैव टू डू इट। देखिए, वेट लॉस के लिए अगर टिप की बात कहूँ तो पता हमें सब कुछ होता है, हमें पता है कि कौन सी चीज़, ये भी पता है हमें कि समोसे बटाटा वड़ा फ्राइड जो चीज़ें हैं सारी हैवी होंगी, हमें सारी चीज़ें पता हैं कि फल सब्ज़ियाँ खाने चाहिए, बट हम लोग ये सोचते हैं कि आज ही खा रहे हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। सो इट्स अ गेम ऑफ माइंड, दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें। और अगर स्टार्ट करना है तो एक सिंपल स्टार्ट बताता हूँ कि एक पानी जो है उसकी कंजम्पशन बढ़ाना शुरू कर दें। नॉर्मली हम लोग भाग दौड़ में पानी जो है उसको भूल जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वैसे ही नेचुरली इतना पानी होता है जो रिप्लेस भी होता है। सो वाटर इज़ वन ऑफ दी फ्यू थिंग्स, मतलब उसके लिए कोई रेसिपी नहीं है, उसके लिए कोई बहाना नहीं है कि अरे ये हमें बनाना नहीं आता, ये नहीं होता। तो अभी जितने लोग हैं अभी एक गिलास पानी पीजिए।